प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने कार्यकर्ताओं का किया सम्मान, कमल पुष्प के जरिए किया पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान, पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। लखनऊ का दौरा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 29 अक्टूबर से दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी के मेगा सदस्यता अभियान को दिखाएंगे हरी झंडी। जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकी हमला, बाजार में टैक्सी स्टैंड के पास ग्रेनेड से हुआ हमला, 5 लोग घायल। यूपी विधानसभा चुनाव पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की नजरें, ममता बनर्जी छठ पूजा के बाद वाराणसी का करेंगी दौरा, दो बड़े कांग्रेसी नेताओं के टीएमसी में शामिल होने का किया ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के आशीर्वाद से कई राज्यों और केंद्र में सेवा करने का अवसर मिलने की बात करते हुए इसका श्रेय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कई पीढ़ियों की निस्वार्थ सेवा और उनके बलिदान को दिया है। जनसंघ के दौर से लेकर बीजेपी के दौर तक संगठन के विस्तार, आपातकाल के खिलाफ संघर्ष, मंदिर आंदोलन के जरिए सांस्कृतिक गौरव की रक्षा जैसे अभियानों में कार्यकर्ताओं की रीढ़ की हड्डी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको कमल पुष्प के जरिए याद किया और लोगों को इनकी निस्वार्थ सेवा के बारे में भी बताया। पीएम मोदी ने लोगों से भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कई ट्वीट कर देशवासियों को इस अभियान की जानकारी देते हुए लिखा, लोगों के आशीर्वाद से बीजेपी को कई राज्यों और केंद्र में सेवा करने का अवसर मिला है। लोगों के इस भरोसे के पीछे एक प्रमुख कारण कार्यकर्ताओं की पीढ़ियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका है, जिन्होंने पार्टी और राष्ट्र निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। कमल पुष्प के बारे में बताते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, नमो ऐप में कमल पुष्प के नाम से जाना जाने वाला एक बहुत ही दिलचस्प सेशन है, जो आपको जनसंघ के दिनों से लेकर वर्तमान तक पार्टी के प्रेरक कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी साझा करने और जानने का अवसर देता है। इन्होंने हमारी विचारधारा को लोकप्रिय बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। इस सेक्शन में योगदान दें और समृद्धि करें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कमल पुष्प को लेकर ये बात कही। और जो पुराने कार्यकर्ता लगातार जो संघ से जुड़े रहे, संगठन से जुड़े रहे और बीजेपी तक जुड़े हुए हैं, उनका सम्मान करने की बात कही है। साथ ही साथ कहा है कि सभी इसमें योगदान दें और जो भी कार्यकर्ता रहे हैं जिन्होंने निस्वार्थ अपना जीवन पूरा इसी को समर्पित कर दिया, उनका सम्मान भी करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 अक्टूबर से लखनऊ के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो बीजेपी के मेगा सदस्यता अभियान को हरी झंडी दिखाएंगे और चुनावी तैयारियों पर चर्चा भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी शुक्रवार को सदस्यता अभियान शुरू करेगी, जिसका उद्देश्य 1.5 करोड़ से ज्यादा नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ना है। राज्य में पार्टी के पहले से ही लगभग 2.3 करोड़ सदस्य हैं। इनमें वो लाखों लोग शामिल हैं जिन्होंने पार्टी द्वारा साझा किए गए एक समर्पित नंबर पर मिस कॉल देकर पार्टी के लिए अपनी पसंद की पुष्टि की है। सदस्यता अभियान का महत्व इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनावों में जीती गई 312 सीटों के साथ 49.67% वोट हासिल करने के लिए अपनी सीटों में सुधार करने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा इस तथ्य के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण है कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए मौजूदा विधायकों के टिकट बदलने पर विचार भी कर रही है। पार्टी उन नेताओं को भी टिकट देने के लिए प्रतिबद्ध है जो अन्य दलों से शामिल हुए हैं। हालांकि पार्टी के नेताओं के एक वर्ग को लगता है कि बड़े पैमाने पर टिकट बदलने से असंतुष्ट और नकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 29 अक्टूबर से दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लखनऊ आएंगे, लखनऊ में दो दिन रुकेंगे और तमाम रैलियां जनसभाएं भी उनकी हो सकती हैं। आपको बता दें कि 2022 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, ऐसे में बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो चुनाव प्रसार के लिए पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए नजर आते हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह भी लखनऊ आएंगे और दो दिवसीय दौरे पर लखनऊ में ही रहेंगे, कई जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं, पदाधिकारियों से मुलाकात भी हो सकती है। तो गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरह से 2017 में बंपर जीत हासिल बीजेपी ने की थी और सत्ता पर काबिज हुई, एक बार फिर से कोशिश रहेगी कि वही आंकड़े दोहराए जाएं, जिसको लेकर मंथन किया जाएगा और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका
गृहमंत्री अमित शाह निभाने वाले हैं और इसी सिलसिले में वो लखनऊ आ रहे हैं। लखनऊ में दो दिन रुकेंगे, यहाँ पर कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे, अधिकारियों से मुलाकात हो सकती है, पदाधिकारियों से बातचीत हो सकती है, एक खास सौगात भी मिल सकती है लखनऊ वासियों को। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिवों, राज्य प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कहा कि हमें वैचारिक रूप से बीजेपी और आरएसएस के शैतानी अभियान से लड़ना चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा है कि अगर हमें ये लड़ाई जीतनी है तो हमें दृढ़ विश्वास के साथ ऐसा करना चाहिए और लोगों के सामने उनके झूठ का पर्दाफाश भी करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि देश की जनता विकल्प चाहती है और इसमें सबसे ज्यादा आगे कांग्रेस पार्टी की भूमिका होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के विषय में जो लोग बोलते हैं, किसी ने कांग्रेस पार्टी की हमसे ज्यादा मदद की है क्या? उन्होंने कहा कि मैं अभी बीमारी में चल रहा था लेकिन बिहार वासियों का मुंह मुझे खींच कर लेकर आया है। जो मोह लगातार पहले से ही बना हुआ है वही मोह ऐसा है जो एक बार फिर से वापसी उन्हें करवा रहा है। ऐसा महसूस हुआ है कि वो लोग मुझे बुला रहे हैं इसलिए मैं निरोग हो गया। 27 अक्टूबर को मैं कुशेरस्थान और तारापुर में जनता जनार्दन का नमन करूंगा। हम दोनों सीटों पर शानदार वोट से जीत रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि इन दोनों सीटों का बहुत महत्व है, निश्चित रूप से इनके यहाँ भगदड़ मचेगी और हम लोग सरकार बनाएंगे। बेईमानी से ये कब तक टिक सकते हैं? तो एक बार फिर लालू प्रसाद यादव राजनीति में सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। बीते कई सालों से उनका स्वास्थ्य खराब था और काफी समय उनका जेल में भी बीता है, तो ऐसे में वो काफी दूर थे राजनीति से, लेकिन एक बार फिर से वो फ्रंट फुट पर आकर बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही साथ वो सत्ता पक्ष और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जितनी ज्यादा मदद हमने कांग्रेस पार्टी की है उतनी मदद कोई नहीं कर सकता और देश की जनता विकल्प चाहती है और हम इन दोनों सीटों पर जीतने वाले हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस और राजद पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस में दिखावे के लिए जो झगड़ा चल रहा है वो केवल नूरा कुश्ती है। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से उम्मीदवार खड़ा किया और कांग्रेस का एक ही लक्ष्य है, एनडीए को हराना और राजद को जिताना। चुनाव के बाद दोनों फिर एक हो जाएंगे। इसके अलावा सुशील मोदी ने कहा कि राजद प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, दोनों भाइयों के बीच सत्ता का संघर्ष चल रहा है। बेटा बात नहीं मान रहा तो जनता क्या मानेगी? जिस व्यक्ति का प्रभाव अपने बेटों पर नहीं है तो जनता उनकी बात कहां सुनने वाली है। तो बिहार में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, चुनाव के बाद दोनों एक बार फिर एक हो जाएंगे, ऐसा सुशील मोदी कहते हुए नजर आए। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस और राजद पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि राजद और कांग्रेस में दिखावे के लिए जो झगड़े चल रहे हैं वो केवल नूरा कुश्ती है, उनका कोई महत्व नहीं है। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से उम्मीदवार खड़ा किया है और कांग्रेस का एक ही लक्ष्य है, एनडीए को हराना और राजद को जिताना। चुनाव के बाद दोनों फिर से एक हो जाएंगे। इसके अलावा सुशील मोदी ने कहा है कि राजद प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है और दोनों भाइयों के बीच अभी भी सत्ता को लेकर संघर्ष चला रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। बेटा बात नहीं मान रहा तो उसकी बात आखिर जनता क्या मानेगी? जिस व्यक्ति का प्रभाव अपने बेटों पर नहीं है तो जनता उसकी बात नहीं सुनने वाली। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर से समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े ने आज तक गलत तरीके से अपने पिताजी के नाम का लाभ लिया और हम इसकी शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा कि आज तक समीर वानखेड़े ने जितनी भी तनख्वाह ली है वो उनको वापस करनी पड़ेगी और पेंशन भी बंद होगी। आगे मंत्री ने कहा कि सिर्फ एक मामला नहीं है, हमें लगता है कि दो शिकायतें होंगी। समीर वानखेड़े शहर में दो लोगों के जरिए फोन टैप कर रहा है, लोगों के फोन को कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट किया जा रहा है। दो प्राइवेट लोग हैं, एक मुंबई शहर में और एक थाने में। हम लोगों के सामने रखेंगे कि कैसे समीर वानखेड़े गलत तरह से लोगों का फोन टैप कर रहा है। मैं आह्वान करता हूं कि वानखेड़े मेरे खिलाफ मानहानि का मामला करें, मैं अपना केस लड़कर इनका फर्जीवाड़ा सामने लाऊंगा। 100 से 200 करोड़ की बात ना करें, 10% स्टैंप ड्यूटी भरनी होती है। आपके पास 2 नंबर के हजारों करोड़ हो सकते हैं लेकिन स्टैंप ड्यूटी भरने का कागज नहीं होगा। आपको बता दें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जिस तरह से
ड्रग्स मामले में फंसे हुए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो ड्रग्स मामले की जांच है उसकी आज समीर वानखेड़े पर पड़ती हुई नजर आ रही है। 2 से 3 दिन हो गए हैं वानखेड़े का जो मामला है वो सुर्खियों में बना हुआ है। नवाब मलिक एक के बाद एक समीर वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, परिवार को भी वो लगातार घेर रहे हैं। तो ऐसे में समीर वानखेड़े की 2-2 शादियों की भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। समीर वानखेड़े लगातार ये कह रहे हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक प्रेस रिलीज भी किया था। प्रेस रिलीज में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार है, मैं हर चीज़ का जवाब दूंगा। और आज दिल्ली आए हुए हैं और उसके बाद उनका कहना है कि अब वापस जाकर मैं सटीक और सही जवाब सभी को दूंगा, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, हर किसी का जवाब मेरे पास है। तो ये मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ये मामला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आज हाई कोर्ट में आनंद खान की सुनवाई भी है। तो मंत्री नवाब मलिक ने वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, उगाही के लिए बॉलीवुड कलाकारों को फंसाया जा रहा है, नवाब मलिक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। और जांच पर जो सियासी घमासान है वो अब तक मचा हुआ है, तो इसको लेकर हिंदू मुसलमान भी हो रहा है। बॉलीवुड में किस तरह से ड्रग्स मामले पहले भी आए हैं, ये किसी से छुपे नहीं हैं, समीर वानखेड़े कहते हुए नजर आते हैं। हालांकि दिल्ली में जो सुशांत के फैंस हैं वो लगातार समीर वानखेड़े का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, सभी दल अपने हिसाब से गणित बैठाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में प्रतापगढ़ के रानीगंज पावर हाउस के सामने बाग में बसपा की विशाल रैली आयोजित की गई। इस रैली में भारी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि इस रैली में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान बसपा नेता अजय यादव ने राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अशोक को 51 किलो की माला और हाथी की कांस्य प्रतिमा देकर उनका स्वागत किया है। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव ने बसपा की नीतियों और बसपा प्रमुख के कार्यों का खूब बखान किया। साथ ही मोदी सरकार पर महंगाई, कोरोना काल में गंगा में तैरती लाशें, सार्वजनिक कंपनियों और संपत्तियों की बिक्री और घोटालों को लेकर जमकर हमला बोला है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में अशोक यादव का प्रभारी के रूप में परिचय भी कराया गया है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। सभी दल पुरजोर कोशिश कर रहे हैं जनता को लिभाने की और बसपा भी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। प्रतापगढ़ की तस्वीरें, यूपी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज, एक रैली निकाली गई है। इस विशाल रैली का आयोजन यहाँ पर किया गया था। इस दौरान जो बसपा के नेता थे वो मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए थे। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, निजीकरण हो रहा है, इसको लेकर हमलावर हुए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय न्यायप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी के निर्देश पर आज 250 रानीगंज विधानसभा में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसके आयोजक मुख्य रूप से बहुत ही वरिष्ठ और मुख्य समाज सेवी भाई अजय यादव जी थे, जिनको आदरणीय बहन जी ने आने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए इस रानीगंज विधानसभा का प्रभारी बनाने का काम किया है। और जब चुनाव घोषित होंगे तो जानते हैं कि आप प्रभारी ही हमारे यहाँ, तो मेन मुख्य रूप से प्रत्याशी का चुनाव रहता है। चिकित्सा विभाग राजस्थान की ओर से जिला अस्पतालों में संचालित किए जा रहे कायाकल्प अभियान के तहत सिरोही के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ए.के. मौर्य ने टीम के सदस्यों के साथ बागड़ अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण कर साफ सफाई और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी ली है। इस मौके पर जो कमियां पाई गई उसे सुधारने के निर्देश दिए गए। इस दौरान बागड़ अस्पताल में मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू किए गए ऑक्सीजन प्लांट और अत्याधुनिक सुविधा युक्त वार्ड की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इससे यहाँ उपचार के लिए आने वाले बच्चों और हृदय रोगियों को बड़ा लाभ मिलेगा और साथ ही आने वाले दिनों में मेडिकल कॉलेज से और अधिक सुविधाएं मिलने लगेगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजस्थान के पाली जिले की, जहां पर मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी यहां पर ली गई है, निरीक्षण किया गया है। दरअसल चिकित्सा अधिकारी बांगड़ अस्पताल पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया है। जो कमियां पाई गई हैं उन्हें तुरंत दुरुस्त करने की बात यहां पर की गई है।
तो चिकित्सा विभाग राजस्थान की ओर से जिला अस्पतालों में संचालित किए जा रहे कायाकल्प अभियान के तहत सिरोही के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ए के मौर्य ने टीम के सदस्यों के साथ बांगड़ अस्पताल का निरीक्षण किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के सभी वार्डो का निरीक्षण कर सफाई और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी ली है। इस मौके पर जो कमियां पाई गई थी उसे सुधारने के दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान बांगड़ अस्पताल में मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू किए गए ऑक्सीजन प्लांट और अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त वार्डों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इससे यहाँ उपचार के लिए आने वाले बच्चों हृदय रोगियों को बड़ा लाभ मिल सकता है और साथ ही आने वाले दिनों में मेडिकल कॉलेज से और अधिक सुविधाएं मिलने लगेंगी, जिसमें जो परेशानियां पहले हुआ करती थी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर वो अब नहीं होगी। और इस हॉस्पिटल के दिल में जितना कहें उतना ही कम है। और मेनली हमारे इस हॉस्पिटल को तो हमें जो भामाशाहों की जो सौगात मिली है पार्टी में, वो तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि शायद इसके बराबर हमारा पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखा होगा। और यहाँ जो स्टाफ है उनका भी मैनेजमेंट ठीक है। जैसे अभी हमने बायोमेडिकल वेस्ट का देखा, जो हमारा मेन मुद्दा होता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का, तो उसमें सारी चीज़ें इन्होंने बिल्कुल बेहतरीन ढंग से कर रखी है। रिपोर्ट्स भी देखे हैं, साफ सफाई भी देखी है। और ये वार्ड जो पर्टिकुलरली ये है सर्जिकल वार्ड है, भामाशाहों से भी मैनेज है, तो नो डाउट मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में हम ये कह सकते हैं एक क्लास यूनिट फॉर्म है। बिहार के मधुबनी हरलाखी थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक अधेड़ की पानी में डूबने की खबरें लोगों को मिली। दरअसल 40 साल का अधेड़ अपने गांव स्थित नदी में नहाने के लिए गया था, जहां पैर फिसलने से गहरे पानी में जाने के कारण डूबकर उसकी मौत हो गई। वहीं जैसे ही ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार के मधुबनी की, जहां पर एक शख्स की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई है, जिसकी सूचना मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची है, इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। दरअसल बिहार के मधुबनी हरलाखी थाना क्षेत्र का एक पूरा मामला था, जहां पर एक अधेड़ नदी में नहाने के लिए गया था, लेकिन जहाँ उसका पैर फिसल गया वो गहरे पानी में जाने लगा, जिसके कारण डूबकर उसकी मौत हो गई। वहीं जैसे ही ग्रामीणों की उसकी जानकारी हुई, उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। तो बिहार के मधुबनी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पानी में डूबने से एक अधेड़ की मौत हो गई है। घटना अभी हम लोग को पता लगा है कि हम लोग तो अभी नॉमिनेशन का दौर चल रहा है, तो सारे उसी में लगा हुआ था। तो जब हमें पता लगा कि यहाँ हमारे ग्रामीण का कोई घटना हो गया, तो दौड़ के आया, सभी ने पता लगा कि तेतर सहनी नाम का जो हमारे गांव का है निवासी, उसकी मौत हो गई है वो नदी में डूबने से। तो हम लोग यहाँ आए हैं और देखते हैं सही है कि ये डूब के मौत हुआ है। वो हम लोग घर पर थे, घरेलू काम में लगे हुए हैं, वो स्नान करने के लिए आया, वहाँ देखिए कपड़ा निकाल के बेंच पर रखा हुआ है होटल के पास। 10:30 होने 11 बज रहा था, उस यहाँ सब गया नॉमिनेशन में, वो गया स्नान करने, कब डूबा नहीं डूबा किसी को मालूम नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद टीएमसी प्रमुख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नजरें यूपी चुनाव पर हैं। ममता बनर्जी छठ पूजा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करने वाली हैं। यूपी के दो बड़े कांग्रेसी नेताओं के टीएमसी में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी ने वाराणसी दौरे का ऐलान कर दिया। एक बयान के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, दोनों नेताओं का शामिल होना इस बात की गवाही देता है कि हम अब राष्ट्रीय पार्टी हैं जो बीजेपी को असली चुनौती दे सकते हैं। ममता ने आगे कहा है कि हमें बीजेपी से लड़ने के लिए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कांग्रेस पिछले 15 सालों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ने में विफल रही है।
ममता ने बताया कि टीएमसी में शामिल हुए यूपी के दो नेताओं ने उन्हें वाराणसी आने के लिए आमंत्रित किया है। वो छठ पूजा के बाद वहां जाएंगी। ममता आगे कहती हैं कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है जो हमें रोक सकती है। लक्ष्मण रेखा दंगा भड़काने वालों के लिए होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी शासित गोवा त्रिपुरा यूपी में इसके उलट है। ममता ने कहा कि बीजेपी सरकार हाथरस और लखीमपुर में दलितों, महिलाओं, किसानों पर अत्याचार करती है, ऐसी तमाम तस्वीरें सामने हैं। यानी कि एक बार फिर से बीजेपी को चुनौती देती हुई उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी दिखाई देने वाली हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सियासी क्षेत्र वाराणसी आएंगी और यहां पर वो चुनावी बिगुल फूकेंगी। यहीं से वो एक बार फिर से यूपी की राजनीति में एंट्री लेने जा रही हैं। दरअसल कांग्रेस के दो बड़े नेता टीएमसी में शामिल हुए हैं, जिसके बाद से ही ममता बनर्जी यूपी आने की बातें कह रही हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार को एक बार फिर से वहां के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ग्रेनेड से हमला किया गया। इस हमले में 5 स्थानीय लोग घायल हुए हैं। मौके पर सुरक्षा बलों को जो जितने भी जवान थे वो वहां पर मौजूद थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि बांदीपुरा के संबल ब्रिज इलाके में आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। इस घटना में कुछ लोग घायल हुए हैं और विस्तृत जानकारी का भी इंतजार है। यानी कहा जा सकता है कि अब भी आतंकी गतिविधि पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं। सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट है। ग्रेनेड से हमला किया गया आतंकियों द्वारा, जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए हैं। बिजनौर में बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से बड़ौदा किसान पखवाड़ा का आयोजन किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 5,20,00,000 रुपए का किसानों को ऋण वितरित किया गया। बिजनौर में किसान पखवाड़ा और क्रेडिट आउटरीच के तहत जिले में वृद्धि कृषि मेले और ऋण वितरण कैंप का आयोजन किया गया है। इस मेले के मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर अवधेश मिश्रा, डॉक्टर संजीव वर्मा भी मौके पर उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रमुख हरीश कुमार अरोड़ा, उप क्षेत्रीय प्रमुख AK पांडे और मुख्य प्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने भी हिस्सा लिया है। बिजनौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर किसानों को ऋण दिया गया है। किसान पखवाड़े का यहां पर आयोजन बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से किया गया है। आज बैंक ऑफ बड़ौदा ने हमारे बिजनौर जिले में, हमने वर्ल्ड फूड डे के उपलक्ष्य में हमने कृषि खाद्य दिवस का आयोजन किया, जिसमें 200 से अधिक किसानों ने पार्टिसिपेट किया। हमने इसमें 5 करोड़ से ऊपर के ऋण वितरण किए एवं हमने 20 से ज़्यादा फार्मर्स को सम्मानित किया। डेयरी आप कर सकते हैं, पशुपालन के साथ जो है आप मिल्क प्रोसेसिंग कर सकते हैं, साथ में कृषि आधारित जो उद्योग लगाते हैं। यहाँ हमारे पास कृषि आधारित जिनके बहुत ही सफलतापूर्वक उद्योग चल रहे हैं, वो भी उद्योगपति हमारे पास बैठे हैं। यहाँ अरुण अग्रवाल जी बसी कीरतपुर के बहुत ही हमारे सम्मानित ग्राहक भी हैं। बाराबंकी में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर बाराबंकी के देवा कोतवाली क्षेत्र में बस और ट्रैक्टर ट्रॉली के आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। बस ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में सामने से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, वहीं 14 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को बाराबंकी जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बाराबंकी की तस्वीरें, जहाँ पर तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला। क्षेत्र में एक प्राइवेट बस जो देवरिया की तरफ जा रही थी और एक ट्रैक्टर आ रहा था, दोनों में एक्सीडेंट हो गया। करीब 14 लोग अभी तक घायल हैं और 2 की मृत्यु हो चुकी है। 2 लोग घायल हैं, उनका सदर अस्पताल बाराबंकी में इलाज चल रहा है। क्या घटना, क्या पता चला, कैसे नेग्लिजेंसी कहां से है, अब वो जांच के बाद पता चलेगा कैसे क्या हो रहा। कितने लोग सवार थे ट्रैक्टर में, अभी जानकारी नहीं। क्या सर, बस वाले घायल? हम लोगों की प्राथमिकता यही थी कि जो घायल हैं उनको किस तरह से बचाया जाए और उनको सदर अस्पताल तत्काल ला करके उनका इलाज कराया गया। सर, क्या बस में जो बैठे थे वो लोग भी चोटिल हुए? हाँ, वो भी चोटिल हुए, बस और ट्रैली दोनों। हाँ, दोनों। कुल 14 लोग? हाँ, कुल 14 लोग अभी तक जो यहाँ पर सदर अस्पताल में आए हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।